ये मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग से है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गई, वे वापस आती गई, लेकिन महत्वपूर्ण है जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा हुआ है। आप चले जाइए देवासुर संग्राम में, चले जाइए राम रावण के युद्ध में, आप चले जाइए महाभारत में, आप आ जाइए, ये लगातार हर कालखंड में हर युग में ये हुआ है। अच्छे लोग भी होंगे बुरे भी होंगे। अगर ये मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग से है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गई, वे वापस आती गई, लेकिन महत्वपूर्ण है जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था।